तो नमस्कार एवरीवन, हम लोग अभी ऊटी में ही हैं और आज हम लोग आए हैं, डेट है आज 29 तारीख और हम लोग आए हैं वर्टिकल गार्डन। तो ये कुछ इस तरह से है और इसके बारे में बोला जाता है कि 136 साल पुराना है, इसे अंग्रेज़ों ने ही बनवाया था और इसके खुशी के उपलक्ष्य में एक रोज़ गार्डन भी बनवाया गया है जो बहुत ही सुंदर है। तो काफ़ी सुंदरता से इसको डेकोरेट किया गया है, पौधे जो भी हैं बहुत ही सुंदर है। ये देखिए ये शिवलिंग बनाया गया है, जो प्लांट्स की कटिंग की गई है बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आप लोग से बोलना चाहेंगे कि कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हम आपको बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ों से मिलवाएंगे, पौधों से और यहाँ के प्लांट्स गार्डन तो बहुत ही सुंदर है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और इन्जॉय करिए। आप लोग ऊटी आते हैं तो वाटकन गार्डन्स ज़रूर आइए। ये देखिए ग्लास है, ये बना है 1894 में, ये बना हुआ है, दिख रहा है ना आपको, 1894 में इसे बनाया गया है। तो ये देखिए चारों तरफ इसके फ्लावर्स जो बहुत ही सुंदर हैं और हर एक वैरायटी के फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे। काफ़ी खूबसूरती से इसको सजाया गया है। इसमें दो तीन ग्लासेज ऐसे हैं जो ग्लास का घर बनाया गया है और उसके अंदर ही इसकी सुंदरता को पौधों से डेकोरेट किया गया है। बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे हैं ये सब चारों तरफ ऐसे, एक घर टाइप का बनवाया गया है जो कि भरपूर है पौधों से, काफ़ी सुंदर सुंदर। तो ये उसमें एक है और आप लोग से बोलेंगे कि आप लोग कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये देखिए एक यूनिक सा प्लांट है, तो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से पौधे हैं। तो चलिए आगे भी आपको दिखाते हैं हम, बहुत बड़ा सा है, बहुत ही बड़ा है, जाहिर सी बात है जब अंग्रेज़ बनवाएंगे तो बड़ा ही रहेगा। तो काफ़ी खूबसूरत है, कुछ आग रहा है बोलो। हेलो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप लोग आते हैं तो गार्डन ज़रूर आइए और यहाँ की सुंदरता काफ़ी भव्य है। तो हम लोग आ गए हैं दूसरे ग्लास रूम, इसके जो पौधे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है, सच में आप लोग देखेंगे ना तो कायल हो जाएंगे, इतने ब्यूटीफुल सा इसको डेकोरेट किया गया है। तो ये देखिए चारों तरफ पौधे फूल ही फूल हैं और बहुत ही खूबसूरत भी, हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी सुंदरता से इसको सजाया गया है, बच्चे बाहर ही इंजॉय कर रहे हैं, वो लोग एक बार इसको घूम चुके हैं। मुझे लगा ये वीडियो आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए और जब भी आप आते हैं तो ऐसे वो गाड़ी वाला लाता ही है जिससे हम लोग करते हैं, पर अगर आप लोग को भी पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऊटी में बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें हैं, वो सारा हम एक बना देंगे। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, चारों तरफ से फूल का घर बनाया गया है, देख सकते हैं आप, जिधर भी देखेंगे सब लोग अपनी फ़ोटो खिंचाने को लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट हम लोगों ने फ़ोटो खिंचा ली है और आप लोग से बोलना चाहेंगे कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। तरह में तरह के फूल हैं, ये देखिए है ना सुंदर, बहुत सुंदर है। तो इसकी सुंदरता के बारे में जितना बोला जाए कम है, मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसे ग्लास का बना हुआ घर देखा है और उसमें इतने सुंदर सुंदर पौधे हैं जो बोलते नहीं हैं फूलों का घर, तो ये फूलों का घर ही है। बहुत ब्यूटीफुल सा है और होप कि आप लोग इन्जॉय करेंगे। तो यही बोलेंगे कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ऐसे सुंदर सुंदर फूल, पूरा गार्डन मस्त जगह है, काफ़ी इन्जॉयबल है, तो आप लोग भी इन्जॉय करेंगे। तो चलिए और चलते हैं आगे, हम वीडियो जरा से बड़ी हो जाएगी, बने रहिए आप हमारे साथ। तो ये देखिए किस तरह से कटिंग किया गया है, लाइन लाइन में दोनों तरफ आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदरता से कट किया गया है पौधों को और
अंग्रेज़ों ने हम लोग के लिए बहुत कुछ छोड़ा भी है, करके गए हैं, जो उन्होंने किया है शायद अभी तक हम लोगों ने उतना किया नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे इस चीज़ को। उनके बनाए हुए जो घर हैं पुराने समय की बिल्डिंग्स हैं, तो ये देखिए वाओ। अरे वो ये बताओ ये क्या है बेटा? प्लांट से पता नहीं है मेरे ये को। क्या है पता नहीं बच्चा हमें। ये लड़का है, इसको प्रपोज कर रहा है। अच्छा अच्छा, रसम बोल रही है लड़का है और लड़की है, ये प्लांट्स देके इसको प्रपोज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर सा व्यू है। ये देखिए ये बहुत सुंदर है और काफ़ी सुंदरता से बनाया गया है, देख सकते हैं आप चारों तरफ। ओए हेलो बोलो। हेलो हेलो, दिख गए हेलो। तो चारों तरफ बहुत बड़ा है ये, दूर रहते हैं। तो ये देखिए डिंक है, ये डिंक पहले गांव में निकलती थी, हम लोग निकाल के खाते थे इसको। तो खा खा सकते हैं ना, क्यों नहीं खा सकते, पर अभी बोल नहीं सकते हैं कैसा है ये डिंकी है। ये देखिए आप देख सकते हैं डिंकी है, डिंक है। तो बने रहिए आप हमारे साथ और हम आपको ऐसे ही घुमाएंगे गार्डन। वो देखिए एक शिवलिंग दिख रहा है जो काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है, काफ़ी दूर है वो, चलते हैं वहाँ पे। खुशी थक गई है ना खुशी? खुशी बोल रही कि कुछ और मम्मी के लिए सब ले लिया है, उनके लिए कुछ नहीं लिया, पता नहीं हम लोगों ने क्या ले लिया है। चलो बाकी घूम। बहुत सुंदर सा प्लेस है ऊटी, तो वैसे भी बहुत सुंदर है, श्रीनगर जैसा है ये प्लेस। ऊपर आ जाओ, आइए चलते हैं, घुमाते हैं आपको अपने साथ। तो ये देखिए इंडिया बनाया गया है, पौधों से कटिंग किया है फूलों की, देख सकते हैं वो सब है। बहुत ही खूबसूरत है, इंडिया को कट किया गया है पौधों से, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है। तो ये देखिए ये इन लोगों ने बनाया है इटालियन गार्डन। ये देखिए चारों तरफ से फ्लावर है और सीढ़ी से अंदर जाना है, और चारों तरफ बहुत ही सुंदर बनाया गया है इसको, बहुत बड़ा है, इसको घूमने के लिए ही सारा दिन चाहिए। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए पौधे है ना सुंदर, ये इतना बड़ा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं। चारों तरफ से इसको कटिंग किया गया है और 55 एकड़। अच्छा, तो ये 55 एकड़ में बनाया गया है और बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ये देखिए तो मम्मा साथ हो ना, उषा कहाँ है? तो और आप इंजॉय करिए, जब भी आप ऊटी आते हैं एक बार मैप ज़रूर सर्च करिए और सर्च करके फिर घूमिए, काफ़ी सुंदर है। ये देखिए ये गार्डन ही है, काफ़ी बिग गार्डन है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। चलिए आगे ले सकते हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी पर कोई बात नहीं है, लास्ट तक हम लोग ये देखेंगे बार बार। तो ये देखिए ये ऊपर हम लोग आ गए हैं, जरा से चढ़ करके ऊपर से नीचे गार्डन का व्यू है, आप देख सकते हैं। आइए दिखाते हैं मेन पॉइंट में चढ़ करके इसको। तो ये देखिए इसकी खूबसूरती यहाँ से दिखती है। प्रीतिका डोंट क्राई बच्चा, खुशी थक चुकी है। ये देखिए ये है पार्क का, पूरा पार्क इधर से कवर होता है हो करके, कुछ ही ध्यान से बच्चा नीचे गिरने का डर है। ये देखिए चारों तरफ से बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये है यहाँ का लाश, तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। और देखिए वीडियो बनाया है, घर बनाया गया है नीचे प्लांट्स का, बहुत ब्यूटीफुल सा है। और ये सामने देखिए, तो
बहुत सुंदर है ये वीडियो, कैसी लगी और कमेंट करके जरूर बताइएगा। खुशी खुशो वहाँ पे दिखे, एक फोटो लेते बच्चों के लिए, देखे कितना सुंदर बनाया गया है ना, ये देखिए इग्लू बनाया गया है, ट्रे इग्लू। इंजन है, आपको भी जाना है इंजन? मैं उधर से आता हूँ, उधर से आओ। ये पूरा ट्रेन इन लोगों ने बनाया हुआ है और इंजन ऐसे किया हुआ है, चलो पापा ये देखिए। नहीं इसमें जाना नहीं है, तो ये ऐसे ही खूबसूरती से बनाया गया है। तो ये देखिए कुशाग्र और खुशी इस ट्रेन के अंदर घुसे हुए। हेलो करो, अरे हेलो। ये देखिए, अरे फोटो लो यार। खुशी भी, फोटो लो। खुशी भी आएंगी यहाँ से। तो होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारे साथ, और बस मिलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्लेस पे। बाय बाय।